हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरे देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहला अपडेट है कि व्हाट इफ के 7 एपिसोड में आपको स्पाइडरमैन का ज़ॉम्बी हंटर सूट देखने को मिलेगा, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन सेकंड अपडेट है स्पाइडरमैन की नो वे होम की सेट इमेज से रिलेटेड, जिसमें कि नेट के रीशूट स्टार्ट हो चुके हैं। और देन उसी के साथ डॉक्टर इसने रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट ये है कि मल्टीवर्स मैडनेस में आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की फुल पावर देखने को मिलेगी। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है एंडमैन 3 से रिलेटेड, तो फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देन हमें काफी सारी सेट इमेजेस भी देखने को मिली है, जिसमें कि पहली इमेज तो आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑफिशियली लोगो भी रिलीज कर दी गए हैं, जो कि कैप्स पर हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस लिखा हुआ है। देन उसी के साथ हमें स्कारलेट विच का, मिस अमेरिका का और देन डॉक्टर स्ट्रेंज का सिंक्टम का भी हमें लोगो देखने को मिला है। तो ये सारे के सारे लोगो कैप्स के ऊपर दिखाई दिए थे और देन एक ही कैप पर चारों पांच लोगो लगे हुए हैं। तो यानी कि इस मूवी के 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर होने वाले हैं, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज और देन मिस अमेरिका। ये तीनों ही कैरेक्टर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में इंपॉर्टेंट लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ बहुत ही कमाल का अपडेट है कि डेडपूल की शूटिंग शायद में भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो सकती है। रियान ने ये चीज खुद कंफर्म करी है। उसी के साथ एक और न्यू सेट इमेज देखने को मिली है, वो है ब्लैक पैंथर 2 की। तो यहाँ पर अंडरवॉटर शूट चल रहा है, तो इसका मतलब हमें नेमोर की फाइट देखने को मिल सकती है और शायद ये कैरेक्टर भी हमें देखने को मिल सकता है। पर हाँ, नेमोर की सिस्टर कन्फर्म हो चुकी है। उसी के साथ पीटर पार्कर और एमजी यानी कि हमारी जेंडा और टॉम होलैंड की एक इमेज देखने को मिली है, बहुत ही कमाल की। देन अगला अपडेट है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से रिलेटेड, तो फाइनली इस मूवी में कोई कैरेक्टर मर सकता है। जेम्स गन ऐसी स्क्रिप्ट कर रहे हैं जिसमें कि मेन कैरेक्टर को वो मारने वाले हैं। देन उसी के साथ ब्लैक विडो की जो एक्ट्रेस हैं स्कारलेट जॉनसन, वो शायद एमसीयू को छोड़ सकती हैं, जब से डिज्नी के साथ उनका केस हुआ है। उसी के साथ एंडमैन में हमें एक न्यू टाइम मशीन देखने को मिलेगी, जो कि क्वांटम रियलम में घुसने में मदद करेगी। तो उसकी हमें एक न्यू सेट इमेजेस देखने को मिली, जो कि हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फाइनली कंफर्म हो चुका है कि आपको मॉर्बियस मूवी में वेनम का भी कैमियो देखने को मिलेगा। डायरेक्टर ने ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म करा है। उसी के साथ स्पाइडरमैन के कुछ प्रोमोस रिलीज हुए, जिसमें कि अमेज़न ने एक बुक लॉन्च करी, जिसमें कि स्पाइडरमैन नो वे होम को सबसे पहले दर्शाया गया है। और देन साथ ही साथ बहुत सारे प्रोमो रिलीज हुए हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है काफी कमाल का, वो है स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है इन प्रोमोस को देखने के बाद कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन जब मल्टीवर्स में जंप करेंगे तो वो नज़ारा कैसा होगा, तो वैसा ही इन प्रोमोस में देखने को मिला है। टॉम होलैंड यानी कि हमारे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि एंड्रू कमरबैच दोनों ही मल्टीवर्स में जंप करते नजर आ रहे हैं और देन दोनों ही एक टुगेदर साथ में काम भी करेंगे। और देन स्पाइडरमैन का जो ब्लैक और गोल्ड सूट है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटीज़ को दिखाया गया है, यानी कि उसकी पावर्स को दिखाया गया है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे खुद ही देख सकते हैं। देन अगर ज़्यादा गौर करा जाए स्पाइडरमैन के सूट को लेकर, तो उनके हैंड से कुछ रेज निकलती हैं, चेस्ट पर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप का निशान भी बनना है। तो हाँ, कन्फर्म होता है कि हमें कुछ तो तगड़ा दिखने वाला है ब्लैक एंड गोल्ड सूट में डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर के साथ। देन उसी के साथ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी रिवील्ड हो चुकी है, तो उस बेसिस पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है मिस्टीरियो पर, तो इस टाइप के भी प्रोमो कुछ रिलीज करे गए हैं। और देन हर जगह स्पाइडरमैन को सिर्फ बदनाम करा जा रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम में। और ये सारे के सारे प्रोमो आपको स्पाइडरमैन मूवी में रोड पे लगे नजर आएंगे। जी हाँ, जहाँ तक कि अभी तक के अपडेट्स आए हैं, क्योंकि ये प्रोमो कोई हाल फिलहाल ऐसे रिलीज नहीं करे गए, ये के सारे प्रोमो आपको नो वे होम में न्यूयॉर्क सिटी में लगे नजर आएंगे, दीवारों पर और बसेस वगैरह पर ओवरऑल। देन स्पाइडरमैन का सूट भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडिंग करा गया है, जो कि इस प्रोमो में साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है। देन अनमास्क का भी एक प्रोमो रिलीज करा गया है, जिसमें कि पीटर पार्कर का फेस आधा काट दिया गया है। तो हाँ, ये भी आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेंगे। देन सबसे ज़्यादा जो प्रोमो आपको देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क सिटी में मूवी के अंदर, वो होगा क्या आप मिस्टोरियो पर बिलीव कर सकते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं डेली बिगल के जो प्रोड्यूसर हैं, जो कि मेन मुखिया हैं, वो भी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ऐसा कुछ आपको मूवी में देखने को मिलेगा, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोमो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और देन इसमें काफ़ी कुछ हमें डिटेल भी मिलती हैं। और देन सभी प्रोमोज में सबसे बड़ी जो खास बात है कि स्पाइडरमैन के सूट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा गया है कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं न्यू सेट इमेजेस के बारे में, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड है। तो फाइनली 13 अगस्त को भी स्पाइडरमैन की शूट होने वाली है। जी हाँ, और उसमें सूट में सेंट्री नाउ का टाइटल यूज़ करा जाएगा लोकल एरिया में, जिससे कि लोग इजीली पता ना लगा सकें। और फाइनली 2 घंटे से भी ज़्यादा आपको शैंग-ची मूवी देखने को मिलेगी सितंबर के महीने में, तो फुल ऑन मज़ा आने वाला है। और उसी के साथ कैप्टन मार्वल 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ब्री लैंसन ने खुद कंफर्म करा है जी बात के लिए। और देन इसमें आपको निक फ्यूरी भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कन्फर्म कराया। देन उसी के साथ टॉम हार्डी ने कन्फर्म कर दिया कि वेनम 3 में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस
वेनम देखने को मिल सकता है। तो मैं तो गाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।